गलियारों में हमेशा ही लाइमलाइट में बनी रहती हैं पॉपुलर एक्ट्रेस, मॉडल और टीवी पर्सनालिटी मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा जहां भी जाती हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं। आए दिन मुंबई में मलाइका कहीं ना कहीं स्पॉट की जाती हैं। मलाइका की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर हर वक्त छाई रहती हैं। वेल दोस्तों, बता दें आपको कि आज का दिन मलाइका के लिए बहुत ही खास है। दरअसल आज मलाइका अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। 48 इयर्स की हो चुकी हैं मलाइका और जन्मदिन के खास मौके पर उनको मिल रहे हैं शानदार तोहफे, शानदार सरप्राइज और शुभकामना संदेश। इसी खास मौके पर आज हम बात करेंगे मलाइका अरोड़ा की जिंदगी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई देखी जाती हैं मलाइका। मलाइका ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन इस मुकाम को जहां एक ओर उन्होंने हासिल किया है अपनी मेहनत के जरिए, वहीं दूसरी ही तरफ अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि इन दिनों मलाइका बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। बीते लंबे समय से दोनों ही एक दूसरे को डेट करते आ रहे हैं। फैंस इंतजार कर रहे हैं दोनों की शादी का। और इसी बीच देखा जाए तो मलाइका की पर्सनल लाइफ से जुड़े पुराने किस्से भी सामने आते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन उतार चढ़ाव के बारे में, जो उतार चढ़ाव मलाइका ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में देखे थे। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर मलाइका को शानदार तोहफे, सरप्राइज और शुभकामना संदेश मिल रहे हैं। मलाइका के परिवार के सदस्य, उनके करीबी दोस्त, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे और उनके बॉयफ्रेंड बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर उन पर भरपूर प्यार लुटाते हुए देखे जा रहे हैं। इस खास मौके पर मलाइका के लिए स्पेशल नोट लिखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज। वेल, इसी बीच मलाइका की जिंदगी से जुड़े पुराने किस्से भी सामने आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं मलाइका की लव लाइफ के बारे में, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में। किस तरह से मलाइका ने अपनी मैरिड लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे। सालों का पुराना साथ रहा मलाइका का अपनी पार्टनर के साथ, लेकिन बाद में मलाइका का रिश्ता टूट गया। जी हाँ, इस बात से आप सभी वाकिफ है कि बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर और परफेक्ट कपल्स में नाम शुमार रहा है मलाइका अरोड़ा, बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान का। जी हाँ, दबंग खान सलमान खान के भाई अरबाज खान और मलाइका की लव स्टोरी भी वाकई में बेहद दिलचस्प रही है। दोनों ने एक दूसरे को कुछ सालों तक डेट किया और बाद में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। साल 1998 में मलाइका और अरबाज 12 दिसंबर के दिन शादी के बंधन में बंधे थे। वहीं दोनों ने हमेशा ही फैंस का दिल जीता अपनी खूबसूरत बॉन्डिंग, अपने प्यार भरे रिश्ते और अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के जरिए। वहीं मलाइका और अरबाज की जिंदगी में एक समय वो भी आया जब मलाइका और अरबाज एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर चुके थे। जी हाँ, शादी के 19 सालों बाद मलाइका और अरबाज एक दूसरे से अलग हो गए हमेशा हमेशा के लिए। बता दें आपको, मलाइका और अरबाज ने अपने इंटरव्यू में कई बार अपने रिश्ते को लेकर बातचीत की है। कई बार अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आई हैं मलाइका अपने टूटे हुए रिश्ते को लेकर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज मलाइका और अरबाज एक बेटे के पेरेंट्स हैं। बेटे हैं उनके अरहान खान। बेटे को मलाइका ने शादी के कुछ सालों बाद जन्म दिया और शादी के 18 साल बाद अपने पति अरबाज से वह अलग हो गई तलाक लेकर। साल 2017 में मलाइका और अरबाज का तलाक हो गया।
लेकिन अपने रिश्ते को लेकर अपने इंटरव्यूज में कई बार अपने दर्द को बयां करती हुई नजर आई। मलाइका ने अपनी एक इंटरव्यू में अरबाज की परिवार के साथ बॉन्डिंग को लेकर बातचीत की। मलाइका ने कहा था कि वह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरे बच्चे के पिता हैं। कुछ बॉन्डिंग रातों रात ही नहीं बदल जाती हैं, जो चीज़ें हुई हैं वह केवल हमारे बीच ही रहनी चाहिए। वहीं अरबाज को लेकर मलाइका ने कहा कि हमारी चीज़ें बहुत ही व्यक्तिगत हैं और हमें इसे किसी दूसरे को स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। अरबाज से मिलना मेरे बेटे को काफ़ी खुश करता है, मेरे बेटे की खुशी से मैं बहुत ही खुशी हूँ। रिपीट, मैं बहुत ही खुश हूँ। इतना ही नहीं, मलाइका की बहन अमृता अरबाज को अपने बड़े भाई की तरह मानती हैं। मलाइका ने कहा कि अमृता के लिए वह एक बड़े भाई की तरह हैं और मेरे माता पिता के लिए वह बेटे से कम नहीं है। इतना ही नहीं, मलाइका ने यह भी कहा कि जो भी चीज़ें हुई हैं वह केवल हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अरबाज के साथ आज भी मलाइका बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। अरबाज और मैं एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं। भावनात्मक रूप से ये हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमने इस बारे में बातें नहीं की क्योंकि हम अलग अलग इंसान हैं। वह मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी इंसान है। ज़िंदगी हमें किस मोड़ पर ले जाए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अरबाज हमेशा ही मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहेंगे। इस तरह से मलाइका ने अरबाज के साथ बॉन्डिंग को लेकर बातचीत की। अरबाज के साथ वह कितना प्यारा रिश्ता शेयर करती हैं और ज़िंदगी भर वह अरबाज के साथ बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करेंगी। वहीं बात की जाए यहाँ पर अरबाज के बारे में, तो अरबाज ने मलाइका के साथ रिश्ते को लेकर, तलाक को लेकर अपने दिल के दर्द को भी छलकाया था। अरबाज ने तमाम बातें शेयर की थीं अपने इंटरव्यू में। अरबाज ने कहा था कि शादी एक ऐसी प्रथा है जो हमारे देश में सालों साल से चली आ रही है। कई बार कुछ शादियां नहीं चल पाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी जैसे बंधन में बंधना खराब है। मैं नौजवानों को शादी करने की सलाह दूंगा। मेरा रिश्ता जिस तरह से ख़त्म हुआ उससे मुझे किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं है। हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही चीज़ें बिगड़ने लगी थीं। अब मेरी ज़िंदगी ठीक रास्ते पर है और हो सकता है मैं दोबारा घर बसा लूं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो ये कहता रहूं कि एक बार मेरी शादी नहीं चली तो दोबारा करने का क्या फ़ायदा। रिपीट, तो दोबारा करने का क्या फ़ायदा। मैं फिर से शादी कर सकता हूँ, लेकिन तभी जब सही इंसान मेरी ज़िंदगी में होगा। मलाइका और अरबाज एक दूसरे से अलग हुए तो वहीं दोनों का दिल भी टूट गया। दोनों ने हमेशा ही फैंस का दिल जीता। तलाक लेने वाले ज़्यादातर कपल्स को दर्द, चोट और नकारात्मक जैसी भावनाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरह से मलाइका भी उन भावनाओं से गुजरी हैं, वहीं अरबाज भी। लेकिन आज के समय में देखा जाए, भले ही मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर को डेट कर रही हों, लेकिन अरबाज के साथ वह आज भी बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। अक्सर मलाइका और अरबाज एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ मलाइका और अरबाज वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी मलाइका और अरबाज एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को लेकर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जाहिर करते हुए नजर आते हैं। आज अरबाज खान डेट कर रहे हैं जॉर्जिया एंड्रियानी को। सोशल मीडिया पर जॉर्जिया और अरबाज की तस्वीरें भी वायरल होती रहती हैं। मलाइका ने शादी टूटने के गम को सहा है और ये काफ़ी दर्द भरा रहा है। कभी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करती हुई देखी जाती हैं मलाइका। अपनी हॉटनेस के ज़रिए जहां एक और फैंस को दीवाना करती हैं, तो वहीं अपनी लाइफस्टाइल के ज़रिए भी। लेकिन इन सभी के चलते मलाइका ट्रोलिंग का सामना करती हुई भी देखी जाती हैं।
और मलाइका इन सब बातों रिपीट और इन सब बातों पर भी मलाइका अपने दिल के दर्द को छलकाती हुई नजर आती हैं। मलाइका और अर्जुन बीते कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन मलाइका और अर्जुन भी अपने उम्र में अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी चर्चा बटोरते हुए देखे जाते हैं। तो वहीं एज गैप को लेकर भी मलाइका ट्रॉल होती हुई नजर आती हैं। बता दें आपको, जहां एक और मलाइका 36 साल की हो चुकी हैं, तो वहीं अर्जुन कपूर 36 साल के भी बता दें आपको जहां एक और मलाइका 48 साल की हो चुकी हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अर्जुन कपूर 36 साल के हैं और दोनों के बीच का उम्र का फासला देखते हुए फैंस उन्हें ट्रॉल करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन मलाइका और अर्जुन पर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और आज भी दोनों का प्यार बरकरार है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारे इस रिपोर्ट के जरिए कि मलाइका की मैरिड लाइफ कैसी रही। तो वहीं मलाइका ने शादी के कुछ सालों बाद ही अपने पति एक्टर अरबाज खान से तलाक ले लिया और आज मलाइका अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। तो वहीं खुद अरबाज खान भी फिलहाल देखा जाए तो फैंस इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार मलाइका दूसरी बार शादी के बंधन में कब बंधेंगी। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मलाइका अरोड़ा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।